आप देख पा रहे हो ब्यूटीफुल सी पीछे से इतनी बड़ी फाइनली रवाना हो गई है क्रूज। फाइनली रवाना हो गई है क्रूज और 5 बजे का टाइम था, मैंने कहा था 6 बजे के आसपास रवाना होगी और 6 में 8 मिनट का मतलब 5:52 को रवाना हुई है और अच्छा लग रहा था बिकॉज कब से इंतजार कर रहा था कि कब ये रवाना होगी। इसका रीज़न है कि जैसे ये क्रूज रवाना हो रही है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अभी चालू हो जाएगी, जैसे कि कसिनोज, रॉक क्लाइंबिंग और भी बहुत जो भी है, थिएटर्स वगैरह जो भी है। क्रूज जब से स्टार्ट होती है तब से ही वो एक्टिविटीज़ चालू होती है, तो अभी ऐसा अच्छा लगेगा कि आपसे लेके परसों सुबह तक अभी इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। करना तो यही है, अब देखते हैं क्या होता है बिकॉज स्टार्टिंग में इजी लग रहा है, फिर ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो इजी होता, ऐसा है ना रॉक क्लाइंबिंग तो थोड़ा सा टफ है ये पार्ट में, लेकिन करेगा अपन ट्राई और घंटी बजाएगा तो फॉर्म भरना पड़ता है। पर पर्सन को 2 बार ही चांस मिलता है, 2 बार इन द सेंस कि 1 बार कर लिया और कल भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बस 2 से 3 बार मुझे अलाउ नहीं है करने को, अपने को तो 1 ही बार करना है। खैर भरोसा था खुद पे कि हो जाएगा मेरे से और हो गया। So some people, let's dance. Let's make it a wonderful evening. The shop, the royal shop coming soon, मतलब अब तक खुली नहीं है, ये एक टाइप का छोटा सा शॉपिंग मॉल कह सकते हो, 2-3 दुकानें सब बंद है लेकिन, और यहाँ पे है कैसीनो रॉयल। तो मैं आ गया हूँ कैसीनो के अंदर और ये जो टेबल है, खैर ये सब मैं खेलने नहीं वाला बिकॉज मेरे को पत्ते वत्ते का गेम रियली नहीं आता है, मेरे को सिर्फ रूले आता है। मकाऊ में भी गया था, गोवा में भी, डेल्टा में, डेल्टिन में, अगर आपने देखा है वीडियो वगैरह, मैं सिर्फ रूले ही में ही खेलता हूँ, उसी में थोड़ा बहुत जीत जाता हूँ। एनीवेज तो वो जो कूपन्स मुझे मिले थे $5 के, तो ये फ्री बोनस वाले ऐसे 2 मिले थे मुझे करेक्ट, तो उसके लिए मुझे अगर ये रिडीम करना है तो उसके लिए मेरे को $5 के परचेज करने थे। मैंने ये $5 मतलब $10 का ये जो चिप्स है ये परचेज किया 750 रुपया दे के, और अभी ये टोटल मेरा वैल्यू हो गया $20 का, मतलब मैं सिर्फ 2 बैट लगा सकता हूँ। मान लो मुझे $5 लगाने, तो मैं एक ये लगाऊंगा और एक ये फ्री कूपन लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरा बैट हो जाएगा $10, मेरा जेब से गया सिर्फ $5, मेरा बैट हो गया $10 का, अगर जीतूंगा तो $10 के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि 2 गेम खेलने मिलेंगे, 750 रुपया डाले हैं, देखते अभी लक लगता है कि नहीं। वैसे बता दूं कि इट्स कैसीनो इज गैम्बलिंग बाय द वे, ये आप डिस्क्लेमर समझ लो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है $10 का ऐसे ही लगा देते हैं। से कुछ ऐसा है, और सच में बता रहा हूँ कि कैसीनो मतलब मैंने सोचा था थोड़ी भीड़ होगी या फिर यू नो काफ़ी चीज़ें चलेगी, मेरे को सिर्फ वो मशीन रूले जमता था, लेकिन मशीन रूले है बंद। मेरे को मशीन रूले अच्छा लगता था, वो फिजिकल रूले वहाँ पे खेलना पड़ेगा अभी, और वहाँ से कैश काउंटर था, वहाँ से मैंने ये परचेस करे है, और ये मोहतरमा इन्होंने ये सब लगा के रखा है लेकिन ये मेरे को आता नहीं है। आप सिखा पाओगे? 3 पत्ती yeah. अरे क्या बात कर रहे हो, खेलूँ क्या मैं? तो अपन जाते हैं जो अपने को आता है, ज़्यादा सीखना है नहीं, ज़्यादा दूसरे गेम में दिमाग लगाना है नहीं, एक ही चीज़ सीख जो आती है वही खेलेंगे, रोले, दैट्स इट।
500 और 600 पीसेस में फ्री वाले कूपन ने तो हरा दिया। वापस $10 लिए मैंने, एक एक डॉलर के, ये पाँच पाँच के नहीं है, एक एक डॉलर के। देखते हैं अभी ये आजमा के कितना लास्ट में उठते हैं हम लेके, या फिर ये भी गवा देते हैं। मैं नहीं खेल रहा, और $20 हार गया यार, 1500 रुपया गया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लिमिट में खेलो, वही ठीक है। और है ना, यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस करना था, ठीक है कर लिया, क्या ही एक्सपीरियंस, हर जगह मतलब ट्राई किया ही है। खैर अभी ऊपर ही जाऊँगा और डिनर करूँगा, मतलब कितने बजे, 8 बज गए, 7:30 बजे डिनर का टाइम था, 7:30 से 10:30, तो पहला डिनर तो अभी कर ही लेता हूँ, है ना, 1500 ऐसे भी कसिनो में वेस्ट कर दिया, तो पहला डिनर अब करूँगा, फिर 9:30 बजे और कर लूँगा डिनर। तो गाइस ये एक रूस का वीडियो ना काफ़ी स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज मैं आप सभी को गिफ्ट देने वाला हूँ, वन ऑफ द फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री शेयर्स। अभी आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास एंड्रॉयड या तो iOS फ़ोन होगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप जब भी शॉपिंग वगैरह करते हो तो लगभग अमेजोन का सहारा लेते हो, आपको अगर वेब सीरीज मूवीज वगैरह देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स में हो आते हो, राइट। तो अगर जब हम काफ़ी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज US कंपनी के यूज़ करते हैं तो क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करके उनकी ग्रोथ का भी फायदा उठाए। अभी आप बोलोगे कि US कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है, आई मीन ब्रोकरेजेस लगते हैं, हैवी कमीशंस लगता है, और एक एक स्टॉक्स हजारों डॉलर्स का होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह इंड मनी ऐप यूज करते हो ना, तो आपको पता होगा कि आप US कंपनी का कोई भी स्टॉक्स फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, मतलब कोई भी एक US कंपनी का स्टॉक आप उसका एक पार्ट भी ले सकते हो। और इंड मनी की खास बात यह है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फी या ओपनिंग अकाउंट चार्जेस नहीं है, और तो और जीरो ब्रोकरेज चार्जेस, जिसकी वजह से आप US कंपनी में अपनी फेवरेट कंपनी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एक छोटे से अमाउंट के साथ भी। और मैं आपको इंड मनी ऐप के साथ मिलकर एप्पल के 250 रुपए के शेयर्स फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप इंड मनी ऐप में साइन अप करो और अपना US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो, फिर आपको एप्पल के फ्री शेयर्स आपके रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। या फिर अगर आप इंड मनी ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड करते हो ना, तो बस साइन अप के टाइम मेरा कोड डाल देना PRV एप्पल के, ताकि के जैसे ही आप साइन अप करो उसके बाद US अकाउंट क्रिएट करो तो आपको आपके रिवॉर्ड सेक्शन में एप्पल के फ्री 250 रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे। और तो और जब भी आप आपका US अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करोगे ना, तो आपको 750 रुपए का फ्री US स्टॉक्स भी मिल जाएगा। सो देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है बस क्लिक करो, डाउनलोड करो और साइन अप करो इंड मनी ऐप में। सो हियर वी गो विद आवर फर्स्ट फेज ऑफ डिनर। वही है, थोड़ा सा राइस है, मतलब सुबह जैसा था हांगकांग राइस वही है, ग्रेटेड चीज लिया है, ये चीज और वेजिटेबल का कुछ है सैलेड जैसा, ठीक, और ये सोया चाप है, सोया चाप बहुत अच्छा है, मैंने एक पीस वही खाया था, ये मेरे को अच्छा लगा। तो अब मैंने क्या मंगाया, मैंने मंगाया है रोटी, पनीर कढ़ाई पनीर और एक और सब्जी है, ये मेरे कुछ अलग है। तो ये है मिठाई, और दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ टूडेज डिनर पार्ट वन। पार्ट टू में जब आऊँगा तो इतना कुछ नहीं खाने वाला, बिकॉज ऑलरेडी पार्ट वन में बहुत खा लिया। पार्ट टू में क्या खाऊंगा, सिर्फ दाल खिचड़ी खाऊंगा, दैट्स इट। क्रूज़ की खास बात यह कि काफ़ी जगह है जहाँ पे आपका टाइम स्पेंड जा सकता है, मतलब मैं खुद एक सोलो ट्रैवलर हूँ, सोलो आया हूँ, उसके बावजूद यू नो काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ आपका टाइम चला जाएगा। अब मैं नीचे आया ऐसे ही तो मुझे एक और कुछ क्लब दिख गया, एंटर कर रहा हूँ तो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, तो कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत ऐसे मिलते रहेंगे आपको जिससे आपका टाइम कटता जाएगा। और मैंने देखा कि डिनर के बाद ना एक नाइट स्नैक, मिड नाइट स्नैक करके भी है, वो भी बढ़िया, रात को 12 से 1:30 बजे, मतलब आप 1:30 बजे के पहले तो सो ही नहीं सकते क्योंकि खाना वाना सब चालू रहता है ना, तो कैसे नींद आएगी। ये आज जो कल शादी है उनकी संगीत थी, तो यहाँ पे प्रोग्राम था रॉयल थिएटर में, तो सब निकल रहे,
सही है पूरा, मतलब क्रूज ऐसे ही लग रहा है कि एकदम देखो ना सबके ड्रेस वगैरह बहुत ग्लिटर कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और मेरे को ये अच्छा भी लग रहा है, सच बता रहा हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जानना भी ज़रूरी है बुकिंग करने से पहले, कि जैसे कि वाईफाई, जैसे ही शिप रवाना होती है तो 2 से 3 घंटे तक आपका नेटवर्क पकड़ेगा, उसके बाद आपका नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी क्रूज है तो जाहिर सी बात है वाईफाई वगैरह की सुविधा होगी, बिल्कुल है, बट चार्जेबल है। $1 का $6, जी हाँ, $1 का $6 चार्ज है, या फिर ऐसा है कि 24 घंटे का कुछ पैकेज रहता है उसका 2500 Indian rupees ऐसा कुछ है। तो भाई साहब मतलब बहुत कॉस्टली है, इससे अच्छा क्या ही करें। दूसरा एक ऑप्शन रहता है वाईफाई यूज़ करने का कि इमरजेंसी रहती है तो कसिनो का आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो। कैसे, उनको कहिए कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं जीपे कर सकता हूँ, तो वो फिर जीपे के लिए आपको वाईफाई देंगे जो कि पासवर्ड देंगे और वो 10 मिनट्स तक वैलिड रहता है, दैट्स इट। तो आप 10 मिनट्स तक वो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, फिर कह सकते हो कि जीपे नहीं वर्क कर रहा है, मतलब अगर कोई अर्जेंसी हो तो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ATM यहाँ पे नहीं है, कोई ATM मशीन नहीं है जिससे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। और बेसिकली ना, मैंने जहाँ से बुक कराया स्पेसशिप, तो कंपनी ने, ओनर ने साफ साफ बोला था कि आप 1 रुपया भी नहीं लेके जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है इधर सब कुछ फ्री है, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, घूमना फिरना हर जगह, तो क्या ही पैसा आपको क्यों चाहिए। हार्ड ड्रिंक्स अगर करते हो तो, या फिर कसिनो अगर खेलना है, जैसे कि मैंने 1500 रुपये उड़ा दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई कैश नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, सारा ही चीज़ ही आपके पैकेज में इंक्लूड हो जाता है। तो याद रहे कि अगर आपको लगता है कि खेलना है वेलना है कुछ भी करना है तो आप कैश लेके आना, बिकॉज यहाँ पे ATMs वगैरह नहीं है, मशीन्स नहीं है, कार्ड स्वाइप नहीं होते, या तो जीपे वगैरह से होता है। तो अभी ऐसा लगता है कि यार स्पेसशिप कंपनी वालों की बात मान लेनी चाहिए थी कि आप 1 रुपया मत लेके जाओ सर, ताकि वो 1500 रुपया बच जाता कसिनो का। एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना डिस्काउंट दिया, वो बहुत सस्ते में बुक करते, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत यकीन करना। आप थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप, कहीं भी आप कंपेयरो कर लेना कॉर्डिलिया क्रूसेस वगैरह के रेट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेसशिप की मैं इतना रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और भी वो डेस्टिनेशंस काफ़ी कवर करते हैं, जैसे कि दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड सब चालू कर रहे, तो यू कैन चेक एवरीथिंग मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है ना। एकदम शांति है, शांति नहीं, म्यूजिक उस साइड बज रही है तो आवाज़ है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक नहीं है। और वो जो डिनर लंच जो भी होता है, रेस्टोरेंट बेसिकली, फास्ट फूड जो भी होता है, वो देखो यहाँ से दिख भी रहा है और कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, समंदर महसूस हो रहा है कि शिप चल रही है, बस वो महसूस हो रहा है, बाकी एकदम अंधेरा अंधेरा। मॉर्निंग एवरीबडी, और सुबह के बज गए 7 और अभी उठा हूँ जस्ट 5 मिनट में, और अभी थोड़ा सा बस फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद हम निकलते बाहर, थोड़ा डेक पे व्यू देखते सनराइज का। सनराइज तो खैर कब का हो गया रहेगा, बट ऐसे ही व्यू देखते, ठंडी ठंडी हवा रहेगी, और एकदम बीचों बीच आ गए समुंदर के, मुंबई से बहुत दूर आ गए, और जिम विम जाएंगे थोड़ा देखते, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी है जैसा भी है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। अभी यहाँ पे आया हूँ तो शावर वगैरह तो अच्छा लग रहा है मेरे को, नो डाउट, शावर रूम जो छोटा सा है कंपार्टमेंट अच्छा लगा, बट ये क्या है भाई, मतलब इधर भी रशिया जैसे हाल हो रखा है, जेट वेट कुछ नहीं है, टिश्यू पेपर से काम चलाओ, ए भगवान। ब्रेकफास्ट चालू हो गया है 7:30 to 10:30, और अभी 7:30 हो गए हैं, और मेरे हिसाब से सबसे पहला मैं ही एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने अभी दरवाज़ा खोले गए। अच्छा, ये पाजी आ गए थे पहले ही, ओहो।
है गाइस, तो आई एम बैक टू माय रूम और मैं नहा लिया और रेडी हो गया हूँ। और सुबह के बजे अभी 9 मतलब 10:30 तक ब्रेकफास्ट है, तो थोड़ा टहल लेता हूँ, उसके बाद वापस ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा क्योंकि भूख लगी है। जिम भी किया ना मैंने, रूम भी काफी ठंडा लग रहा है, तो टेम्परेचर 22 से 27-28 के आसपास कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी पूल चालू हो गया है और मेरा भी मन तो कर रहा है कि क्या करूँ, वापस रूम में जाके चेंज करूँ, 3/4 टी शर्ट पहन के आ जाऊँ क्या। अरे यार मजा आएगा। नमकीन हो जाओगे पूरा, इतना नमकीन पानी। बाय बाय। मारो अंकल, इंडियाज गॉट टैलेंट में इनका नंबर आना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट में इनका नंबर जरूर आना चाहिए। 708 है? अरे वाह, फिर तो पक्की बात है। 70 की एज में इतना मस्त अच्छे से। बस बस अंकल, बहुत तारीफ किया, बहुत तारीफ। मेरे को एक चीज का डर था कि जो मैंने टॉवल रखा था यहाँ पे वो कहीं और यूज ना कर ले। लकीली किसी ने यूज़ नहीं किया, सब लोग यार वैसे तो सब अपना अपना लेके ही आते, तो खैर ये अच्छा हुआ कि मेरा टॉवल किसी ने यूज़ नहीं किया। ठंड बहुत लग रही है। तो गाइज आई होप आपको एक क्रूज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और जो थर्ड पार्ट होगा वो इससे भी धमाकेदार होगा, लेकिन उससे पहले जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए इंड मनी ऐप को जरूर डाउनलोड करना और साइन अप करके उसको फंड करना, ताकि कि आपको 250 रुपये के एप्पल के फ्री शेयर्स भी मिल जाएंगे। और तो और जब आपका US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करोगे और उसको फर्स्ट टाइम फंड करोगे ना, तो आपको 750 के फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। बस कोड याद रखना PRV एप्पल। एंड गाइज इंड मनी ऐप को ना ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया।